क्या एक बार फिर इस सावन में नीतीश खेलेंगे पलटी वाला गेम? नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से नीतीश के पाला बदलने को लेकर के चर्चा खूब हो रही है। अब सवाल है कि आखिर क्यों नीतीश के पाला बदलने को लेकर के चर्चा शुरू हुई? तो आपको बता दें कि ये पूरी चर्चा की शुरुआत हुई योगी आदित्यनाथ के कांवर यात्रा वाले एक आदेश से, जिसको लेकर के खूब घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के कांवर यात्रा वाले आदेश को लेकर के अब बीजेपी और जेडीयू में तनातनी देखने को मिल रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी में तनातनी दिखने के आसार लग रहे हैं और इस बार मामला यूपी की योगी सरकार की तरफ से दिए गए आदेश से जुड़ा है। कांवर यात्रा पर पहचान की सियासत को लेकर के ये सब कुछ हो रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ ने ये फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग के दुकानदारों को दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा, इसको लेकर के जहां बिहार बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले को सपोर्ट किया है, तो वहीं अब जेडीयू ने इस फैसले का विरोध किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान इस पर सामने आया, जहां केसी त्यागी ने उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा वाले इस फरमान का विरोध करते हुए कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये आदेश वापस लेना चाहिए। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। अब योगी के फैसले से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। योगी के फैसले पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आ रही है। अब इसी हालत को देखते हुए नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई है। एक बार फिर से 2022 के सावन की कहानी याद की जा रही है। आपको याद होगा 2022 अगस्त में ही नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी का साथ चुना था और आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना ली थी। अब एक बार फिर से 2024 है और 2 साल बाद एक बार फिर से एनडीए में बवाल की हालत बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जीतनराम मांझी के बयान को लेकर के भी बिहार में सियासत खूब हो रही है। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार पर जिस तरीके से हमला बोला है, उसको लेकर भी एनडीए में सिर्फ फुटोवल की स्थिति साफ नजर आ रही है। बिहार एनडीए में बवाल की हालत बनी हुई है, इसको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सावन में खेला कर देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।